कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि राज्य में जो है 90 से 92 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं और सरकार कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में चल रही आपसी खींचातान पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में नौटंकी देखिए कि इस्तीफे देने के बाद भी मंत्री वाहन, सरकारी आवास और अन्य सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और ट्रांसफर की लिस्ट भी निकाली जा रही है। राज्य में जब भी मुसीबत आए तब कांग्रेस सरकार लग्जरी होटल या विवादों में अपने आप को उलझाकर बचने का प्रयास करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जनता को गुमराह करने, राम भक्ति सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी सरकार को घेरा। आपको आश्चर्य होगा, मैं तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा कि तुरंत सरकार यहां राष्ट्रपति शासन लागू करें, क्योंकि 90-92 विधायकों ने जब इस्तीफे दे दिए तो फिर सरकार तो कहीं अस्तित्व में है नहीं। आप नौटंकी देखिए कि विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिए और मंत्री अपनी गाड़ी, अपना गनमैन, अपना बंगला सब कुछ उपयोग कर रहा है, मंत्री ट्रांसफर लिस्टें निकाल रहा है, तो फिर इस्तीफे आपने दिए या नाटक करने का ढोंग है। पहले भी जब कोविड का संकट राजस्थान में, कोरोना का संकट आया, तब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हॉस्पिटल से लेकर गाँव गली ढाणी तक सेवा के कार्य में लगा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेवन स्टार होटल में आराम कर रहे थे, राजस्थान की जनता की कोई परवाह करने